अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमे का पिज़्ज़ा। हाफ कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये हाफ के जी चिकन का कीमा है। बस ऑयल में डालना और ये मैं पास्ता उबलने के लिए रखा है मैंने। ये पिज़्ज़े का सॉस बनाऊंगी मैं। देखें, वन टेबल स्पून नमक, वन टी स्पून चिली, हाफ टी स्पून हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पिज्जे पे लगाना है इसलिए मैं ऐसे ही भूनूंगी और जो बच जाएगा फिर वो पास्ते के लिए बनाऊंगी। ये मैं पिज्जे का सॉस बना रही हूँ। इसको मैंने 4-4 पीस काट लिया है। इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाजाएगा तो फिर पेस्ट बनाऊंगी। ये 3-4 लहसुन के जवे हैं, ये छोटी सी क्वार्टर प्याज है। अब इसमें नमक डालूंगी, मिर्च पाउडर, पपरिका पाउडर 2 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून शुगर और ये मिक्स हर्ब्स है तो डाल लें, नहीं तो नहीं डालें। मुझे ज़्यादा बनाना है पिज़्ज़ा इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। आपको अगर बनाना है तो 4 टमाटर ले लें और 1 टुकड़ा प्याज, 2-3 जवा लहसुन, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा नमक, मिक्स हर्ब और थोड़ी चिल्ली पाउडर डाल के ये पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, पीस लें। अगर पीस के फिर पकाएंगे तो बहुत पानी फिर छोड़ता है, छींटे बहुत पड़ते हैं। भून गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया। 1 छोटी प्याज, 1 बड़ा टमाटर शामिल कर लें, नमक मिर्च एडजस्ट कर लेंगे, टेस्ट कर लें। और अभी इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के हाफ तक फोल्ड करेंगे, गल भी जाएगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। दो हरी मिर्च, सबसे आसान कीमा 1 टीस्पून, कुटी मिर्च, ये मैंने पास्ता उबलने के लिए रखा है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून ऑयल और ये मिक्स सब्जी है जो इसी के साथ डाल दूँ, साथ साथ उबल जाएगी। कीमा भी अब बस 5 मिनट में मैं ऑफ कर दूंगी, तकरीबन हो गया है। और ये देखें, ये सॉस का टमाटर, इसको भी बस
हो ही गया है, दो तीन मिनट में मैं इसको भी आप करके बस ठंडा हो जाएगा पीस दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना ताकि वो पिज्ज़े पे फैलाना है। इसका ये हरा धनिया डाल दिया मैंने इसमें, ये पिज़्ज़ा सॉस बन गया भी गरम गरम। ये ज़्यादा बना लिया है मैंने ना, तो इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, नेक्स्ट टाइम बनाना तो बस निकाला और बना लिया। मैं उबाल लिया, इसको सेव कर लिया। अब ये कीमा जो मैं थोड़ा पिज़्ज़े के लिए निकालूँगी, बाकी इस पास्ते के लिए रखा है मैंने। अब इसमें मैं टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ 1 टीन, पूरा 1 टीन टमाटर को मैंने पका लिया है थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिला लूँगी। मैं नान का आटा मैंने बना के रखा है, आधा किलो आटा लिया मैदा, उसमें मैंने 1 बैग जो है वो ईस्ट का खमीर का डाला, और 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, और वो 1 गिलास पानी से थोड़ा ज़्यादा लगा के मैं फिर बना दिया। इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके खींच खींच के बढ़ा लें। उसे कीमे वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, भुना कीमा हो, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, इस मुझे भी अच्छा लगा।
तो ओवन को मैंने फुल हीट पे किया हुआ है, तो बस 10 मिनट में हो जाएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखें कीमा पास्ता भी बन गया है, पिज़्ज़ा भी बन गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।